शहनाई की एक तान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद को तरोताजा कर देती है। पूरी दुनिया में शहनाई उस्ताद की और उस्ताद शहनाई के पर्याय हैं। पिता बिहार के डुमराव रियासत में शहनाई वादक थे, लेकिन 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान काशी आ गए। सरस्वती के साधक बिस्मिल्लाह खान ने गंगा की लहरों से संगीत की सुरलहरियों की साधना सीखी और उस्ताद चाचा विलायती के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से शहनाई वादन करने लगे। उस्ताद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे और काशी और काबा में कोई फर्क नहीं समझते थे। उस्ताद ने शहनाई के जरिए संगीत के 7 सुरों को इंद्रधनुष की 7 रंगी छटा दी और इसमें हिंदुस्तानियत की बहुरंगी संस्कृति का अक्स भी दिखाया। गंगा जमनी तहजीब और फकीराना मस्ती से सराबोर ये उस्ताद की रूहानी ताकत का कमाल था कि शहनाई जैसे नजरअंदाज कर दिए गए साज की आवाज से सारी कायनात गूंज उठी। सुरों की आत्मा तक डूब कर छेड़ी गई उनकी तान से हिंदुस्तान ही नहीं सारा जहान सम्मोहित है। उस्ताद ने न केवल शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई बल्कि ठुमरी, चैती और कजरी जैसे गीतों को भी देश और दुनिया में वही मुकाम दिलाया जो शास्त्रीय संगीत को हासिल है। उस्ताद हिंदुस्तान की साझी विरासत के साक्षात प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर में उस्ताद की शहनाई जवान हुई और मुहर्रम के मौके पर कर्बला के शहीदों को आंसुओं का नजराना भी उस्ताद पेश करते थे। उस्ताद अपनी शहनाई का मोल धन दौलत में नहीं इज्जत और सम्मान में तलाशते थे और यही वजह थी कि पद्मश्री से लेकर भारत रत्न जैसे अनमोल सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। काशी का दूसरा कबीर और संगीत की दुनिया का गांधी आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। अश्विनी कुमार मिश्र, DD News, दिल्ली।